अभी रात के 12 बज चुके हैं, 12:15 हो रखे हैं, और इसलिए मैंने वीडियो ऑन किया है क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। ये पिछले मैं गेटवे ऑफ इंडिया गया था, उसके बाद थोड़े तबीयत डाउन हो गया था मेरा। फिर मैं कल अक्सा गया था, तो अक्सा में भी मैं गया था, तो अभी भी तबीयत मेरा डाउन ही था। मैं नहा के नहीं गया था, ऐसे ही गया था, तो वो शायद वीडियो में पता भी लग रहा होगा। तो मैं सोचा चलो अभी नींद नहीं आ रही है तो कुछ शेयर करता हूँ अपने बारे में और मुंबई के बारे में जो मैंने एक्सपीरियंस किया है यहाँ पे। तो मैं आज बताता हूँ कि मैं मुंबई में कहाँ कहाँ पे रहा हूँ, कौन कौन सी लोकेशन पे मैं रहा हूँ। मतलब 2015 में मैं आया था, एक्चुअल में मैं एक बार 2012 में भी आया था, और लेकिन मैं जो दोबारा आया तो मैं 2015 में आया। तो 2015 से 2022 तक मैं कहाँ कहाँ कौन सी लोकेशन पे रहा, कौन सी जगह रहा, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो जब मैं 2015 में मैं मुंबई में आया था, तकरीबन कुछ सितंबर चालू था, तो उस टाइम मैं मरीन लाइंस में रहा था। मरीन ड्राइव जो पड़ता है वहाँ पे रहा था तकरीबन 1-1.5 महीने। अभी मैं पूरा डिटेल अभी नहीं दूंगा कि मैं कहाँ रहा, किसके पास रहा, या फिर खुद का रूम लिया, वो मैं नहीं दूंगा। फिर उसके बाद मैं 2016 में आया, तो मैं मरीन लाइंस ईस्ट में रहा। मरीन लाइंस ईस्ट थोड़ा सस्ता एरिया पड़ जाता है और मरीन ड्राइव काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। तो फिर मैं मरीन लाइंस ईस्ट में रहा, और उसके बाद जब 2016 में ही मैं मरीन लाइंस ईस्ट में तब रहा, तो मैं उस टाइम विरार में भी रहा कुछ दिन। कुछ दिन मैं अंधेरी जेबी नगर में रहा 1 महीना मैं, और फिर मैं एक दादर सेंचुरी बाजार में रहा। तो ऐसे करके कई लोकेशन पे 2016 में मैं रहा। और फिर उसके बाद मैं ये अपना क्या बोलते हैं, घर चला गया था क्योंकि नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी के बाद फिर मैं दोबारा आया, दोबारा आने के बाद मैं फिर मरीन लाइंस ईस्ट में किसी रेस्ट हाउस में मैं रुका था। फिर उसके बाद मैंने विरार में रह के आया, तकरीबन 8-10 दिन वहाँ रह के आया, और फिर मैं सेंटा क्रूज में रहा। सेंटा क्रूज वेस्ट में मैं रहा, तो तकरीबन 10-15 दिन सेंटा क्रूज वेस्ट में रहा था। मैं ईस्ट में रहा था, सेंटा क्रूज ईस्ट में स्टेशन के पास में ही रहा था क्योंकि वहीं पे जॉब किया था मैंने। और उसके बाद मैं वापस मरीन लाइंस ईस्ट चला गया जहाँ मैंने पीजी लिया था। तो फिर 2017 और 18 और 19 2017 और 18 मैं पीजी में रहा मरीन लाइंस ईस्ट में। और उसके बाद 2018 के एंडिंग में मैं शिफ्ट हुआ अपने वर्सोवा अंधेरी। अंधेरी में मैं शिफ्ट हो गया क्योंकि उस टाइम मैं घाटकोपर में वर्क कर रहा था, तो वहाँ से मेरे को आसान पड़ता था मेट्रो से, तो इसलिए मैं वर्सोवा में शिफ्ट हुआ। और वो तो वहाँ थोड़ा उस टाइम एक्टिंग लाइन का भी था कि अंधेरी में एक्टिंग वैक्टिंग का रहता है, और इस वजह से मैं वहीं पर शिफ्ट हुआ था। फिर उसके बाद मैं मलाड में आया क्योंकि मैंने पार्लर लिया खुद का। तो फिर मलाड एकता नगर में रहा जहाँ मैं अभी रह रहा हूँ, यहीं पे मैं रहा था। 2019 में लिया था मैंने, एकता नगर में ही लिया था। फिर उसके बाद मैं पिछले लॉकडाउन के बाद मैं शिफ्ट हुआ यहाँ पे मलाड, एवरशाइन नगर पड़ता है लिंक रोड के पास, इन्फिनिटी से पहला सिग्नल पड़ता है इस साइड से, ये अपने कांदिवली साइड से पहला सिग्नल पड़ता है इन्फिनिटी के पास, जो एवरशाइन नाम की जगह है, वहाँ पे मैं रहा। फिर उसके बाद 6-7 महीने रहने के बाद वो ओनर भी शायद फ्लैट बेच रहा था, तो फिर वापस से मैं एकता नगर ही आ गया। तो एकता नगर शिफ्ट होने के बाद मेरे ओनर ने फिर से फ्लैट बेच दिया, दूसरे वाले ने भी। तो अभी मैं रिसेंटली इधर शिफ्ट हुआ हूँ, इस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूँ। तो ये तकरीबन 2015 से 2022 तक का मैंने बताया है, और 2012 में मैं एक बार आया था, उस टाइम मैं गोवंडी में रहा था। गोवंडी अभी मुझे नहीं पता है क्योंकि गोवंडी में ज़्यादा कभी गया नहीं हूँ, सिर्फ एक बार 2012 में गया था, और फिर 2015 में मैं सिर्फ देखने के लिए एक बार गया था गोवंडी। उसके अलावा वो तो रहने लायक एरिया भी नहीं है कि आप वहाँ जाके रहो। तो
जो सबसे, मैं आपको बताता हूँ कि जो सबसे महंगा एरिया जो पड़ता है वो मरीन लाइंस पड़ता है, लेकिन मैं जो रहा था उस टाइम चौल में रहा था, उस टाइम मेरा रेंट था कुछ 3500 रुपये था मेरा उस टाइम। फिर उसके बाद मैं कुछ टाइम बाद 4000 वाले बेड पे शिफ्ट हो गया था। फिर जो वर्सोवा में मैंने रूम लिया था वो मेरे को तकरीबन तकरीबन 7500 रुपये में था, उसमें लाइट बिल इंक्लूड था, 7500 रुपये का वहाँ मैंने वन आर के लिया था। और फिर मैंने जो यहाँ पे लिया था वो 15000 में लिया था, मलाड में जो मैंने फ्लैट लिया था, और उसका अभी जो रेट है वो 17000 हो गया है, जो 15000 था 2019 में। और जो मैं एवरशाइन नगर में रहा था उसका कुछ 18000 रुपीज़ रेंट था, ये अपने लॉकडाउन में थोड़ा कम था। और फिर वो एरिया भी थोड़ा अच्छा पड़ता है यहाँ से, और थोड़ा अंधेरी के भी पास पड़ता है, तो इस वजह से काफ़ी रेट में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। लेकिन आप अगर मुंबई में कोई आता है, कोई रहता है, तो मेरे को सिर्फ मलाड अच्छा लगता है, क्योंकि मलाड अंधेरी में, ऐसा नहीं है कि आप एक्टिंग लाइन से रिलेटेड, एक्टिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो अंधेरी में ही रूम ले। अंधेरी में ऐसा नहीं कि अंधेरी बहुत छोटा है, अंधेरी में ले लिया तो सब पास पास पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अंधेरी में भी आपको ऑटो वगैरह उल्टा ज़्यादा पैसा लग जाएगा आपका, जबकि मलाड से अंधेरी पास पड़ जाता है। और अगर आप बाइक ले लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, 20 मिनट का रास्ता है। और ऑटो से, अभी तो मेट्रो चालू हो जाएगा क्योंकि मेट्रो बन गया है ऊपर, तो काफ़ी काफ़ी आसान पड़ जाएगा। लेकिन अंधेरी ही काफ़ी बड़ा है, मतलब मैं वर्सोवा रहता था तो वर्सोवा से मेरे को ये अपना एक जगह पड़ता है हीरा पन्ना मॉल के पास, वहाँ पहुँचने में तकरीबन 70 से 80 रुपये लगते थे उस टाइम में। और बस में मैं सफ़र करता था तो 10-15 में हो जाता था, लेकिन बस कई बार ना घुमा के पूरा राउंड लेके, मतलब आपको टाइम ज़्यादा होना चाहिए आपके पास अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं तो। और काम का मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो काम मैंने काफ़ी काम किए, मतलब 15-20 काम तो मैंने मुंबई में किए ही किए होंगे, जिसमें खुद के बिजनेस में मैंने पार्लर किया, और एक कपड़ों का भी करने का सोचा था, और अभी भी मैं करने वाला था, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ बारिश, बारिश में कुछ चलता नहीं, अगर आप नया काम कुछ शुरू करते हो तो रेयर है कि वो चले, या फिर चलेगा तो कम चलेगा, या फिर आप घाटे में जाओगे। इस वजह से मैंने बारिश में तो बात टाली ही नहीं कि बारिश में तो कुछ करो ही नहीं, इसलिए मैंने व्लॉगिंग चालू किया। मैंने कहा ये भी चालू करके देख लेते, क्योंकि एक्टिंग लाइन से तो मैं दूर हो ही चुका हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं है कि मैं एक्टिंग में जाऊँ या